नमस्ते, मैं तबस्सुम शेख रेड हाउस फाउंडेशन की मेंबर हूँ। आज आपने जो प्रोग्राम दिया है वो क्या है? ये जो प्रोग्राम है हमारा, हमने 2.5 महीने की क्लास ली है लेडीज़ लोगों की। हमारे रेड हाउस फाउंडेशन का ये है कि बाबा औरतें जो है धोना बर्तन, ये धोना भांडी का काम वगैरह जो करते वो नहीं करते हुए वो खुद के घर में बैठ के खुद काम करना चाहिए। पार्लर हो गया, सिवन क्लास हो गया, ये सब उन्होंने घर में बैठ के करना चाहिए। हमारे शंतनु कुकड़े सर, उनका उद्देश्य ये है कि बाबा कि तुम खुद स्वाभिमानी बनो, खुद के पैर पे खुद खड़ो और तुम खुद काम करो घर में बैठ के, ना कि किसी के घर जाकर धोना बर्तन ये सब करके। आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कब ये शुरू किया? कितने औरतों को आपने ट्रेनिंग दिया? हम लोग ने अभी तक के 100 लोगों को ये ट्रेनिंग दी है। और ऐसे जब से मैं रेड हाउस फाउंडेशन की मेंबर बनी तो सर की बातें सुन सुन के कि बाबा तुम ज़िंदगी में नहीं क्या ऐसा करो, कुछ बनो, कुछ करो, पढ़ाई लिखाई नहीं की तो अभी वापस, अब तो अभी पढ़ाई लिखाई तो अपन कर नहीं सकते लेकिन कुछ कर सकते, तो अभी सिवन क्लास हो गया, पार्लर हो गया, ये कर सकते। तो सर के, हमारे सर जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शंतनु कुकड़े सर, तो उनके ज़रिए से हमको ये सब ऐसा लगा कि नहीं बाबा करना चाहिए। और उनका फुल सपोर्ट है इसके अंदर, उन्होंने बोले कि जो करना है करो, मैं आपके पीछे हूँ, आप लेडीज़ लोगों का साथ दो, मैं आपके पीछे हूँ। तो उनका एक सहारा मिला तो मैंने फिर आगे स्टार्ट कर लिए। आज कितने लोगों को आप सिलाई मशीन या स्वावलंबी सेल्फ? देखो हमारे क्लास के तो 100 जन है, 100 जन का हमारा सर्टिफिकेशन है और मशीन बांटने वाले हैं और साड़ी वगैरह वाटअप करने वाले हैं हम। कितने लोगों? 100। क्या क्या देखते हैं? साड़ी है और सिलाई मशीन है, सर्टिफिकेट है। एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफली जो स्लम एरियाज़ के वुमेन्स होते हैं उनको बेसिकली जो नीड्स है उनकी वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि एक प्रॉपर उनके हस्बैंड नहीं कमा सकते या कुछ, तो जो वुमेन्स है उनको अपने खुद के लिए कमाना चाहिए और खुद की नीड्स खुद पूरी करनी चाहिए। और अगर वो आज से शुरू करेंगे तो वो आगे जाके अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाएंगे। तो अगर उनके पास कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट कभी हटता नहीं है। तो हम बस लोगों को टैलेंट देना चाहते हैं, ना कि पैसा और ना कि 2 दिन के लिए राशन वगैरह। तो अगर उनके पास टैलेंट है तो वो लाइफ टाइम चलेगा और वो शायद आगे भी बढ़ सकता है। तो सर का बस यही मानना था कि उनको लोगों को कुछ ऐसा टैलेंट देना है जो कि वो कमा सकते हैं और वो अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो बेसिकली ये क्लासेस उसी के रूट पे चल रही है। उन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ, और उन्होंने बहुत से क्वारंटाइन में कैंसर पेशेंट्स के लिए, मतलब उनसे जितना होता है वो सर करते हैं। सो बेसिकली ही हैज स्टार्टेड इट फ्रॉम वुमेन्स, कि अगर वुमेन करेगी तो घर बहुत आगे चलेगा। तो ही इज़ एम्पावरिंग वुमेन्स नाउ। मेरा नाम है वहीदा परवेश और दीदी के से मैं यहाँ पे 2 महीने का कोर्स लड़कियों को दी हूँ सिलाई क्लास का, और मुझे बहुत अच्छा लगा सिखाने के लिए। नहीं क्या मतलब जो लड़कियाँ सीख नहीं सकती, मतलब फीस एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उनके लिए दीदी ने इतना अच्छा काम किया है और कुकड़े सर ने रेड हाउस फाउंडेशन की तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। और पार्लर के कोर्सेज भी सर लड़कियाँ नहीं कर सकती, इतने पर उन्हें क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, मतलब फ़ीस इतनी भर नहीं सकती, तो उन्होंने फ्री में सिखाई। मतलब इनकी माशाल्लाह इतनी तारीफ करी उतनी काम में दीदी की, तो ऑलमोस्ट सो थैंक यू दीदी। नहीं सर के लिए भी थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा सीखने के लिए, और ऐसे लगा कि जैसे हम घर में बैठने के हमारे आदमी लोग ऐसे भेजने के लिए हम लोग को बाहर सीखने के लिए, तो उन्होंने भी भेजा कि एक हुनर मिलेगा हमारे हाथ में और कुछ सीखने को भी मिलेगा हमारे को, हमारे मतलब नहीं कैसा लाइफ टाइम जैसे सीखने के लिए मिलेगा हमारे को, कुछ हम आगे भी कर सकते घर बैठे भी। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो फिर घर बैठे भी हम सी सकते कपड़े, फिर अगर कोई कस्टमर हमारे पास आएगा तो उसका भी हम मतलब नहीं क्या पार्लर का भी हम कर सकते घर बैठे, तो बहुत अच्छा लगा हमको भी सीख कर। माझं नाव शिवानी आहे, मी हे फाउंडेशनमध्ये शिकले, रेड हाऊस फाउंडेशनमध्ये क्लास शिकलेले, मला भरपूर छान वाटलं। आता मी स्वतःचा एक छोटासा घरातल्या घरात मी शिवणकामचा हे पण करू शकते, लोकांचे शिवू शकते, म्हणजे एक कॉन्फिडन्स भेटलं। तर कुकडे सर अजून तबस्सुम ह्यांच्यामुळं मला शिकायला भेटलं, आभार आहे मी त्यांचे। देखिए ऐसा है कि ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे हुआ है महिला सक्षमीकरण के हिसाब से, और मैं यही चाहता हूँ कि ये महिला सक्षमीकरण एकदम जोरों से बढ़े। अभी कितनी मेरी बहनों को आपने ये किया है स्विंग मशीन दिया है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिनको मिला है उनमें से एक बहन को मैं कोथरूड में जगा दूंगा स्विंग मशीन के लिए, और
वो कोथरूड में वहाँ पे सीइंग मशीन लगाएगी, काम भी मैं ला के दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो कि अभी चल रही है वो है लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना में जिनको भी रजिस्टर करना है वो मैं नंबर देता हूँ मेरा, आप मुझे फ़ोन कर सकती है। मैं और आपका आधार कार्ड तैयार है, इनकम क्या है वो सब मुझे दे दीजिए, वो फ़ोन नंबर मैं देता हूँ, मेरे फ़ोन नंबर किसी को भी देता हूँ, देर इज़ नो प्रॉब्लम, इट इज़ ओपन टू ऑल। सो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे आपका डिटेल्स मैसेज कर सकती है, तो 1500 रुपीज़ पर मंथ आपको उसमें मिलेगा लाड़की बहन योजना में। और पिछले महीने का आपको एडिशनल मिलेगा इस महीने में, यानी इस महीने में यदि हो गया तो 3000 रुपया मिलेगा। बस इतना ही बता सकता हूँ मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ।